आज के इस युग में व्यक्ति नाना प्रकार की बाधाओं से संतप्त है, परेशान है। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, अनेक संकट हो, परिवार, मकान, दुकान जैसे अभिषिक्त व बंधित होकर के शत्रुओं द्वारा नुकसान करा दिया जाता है और ऐसे में व्यक्ति संतप्त और परेशान रहता है और भय और नुकसान के कारण व्यक्ति को स्थान, घर बार छोड़ने और इस प्रकार की आशंका भी बन जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह हनुमान जी के मंत्रों का प्रयोग करे, जिससे कि उसकी हर प्रकार की बाधाएं दूर हो और उसकी मनोकामना पूर्ण हो और उसके कार्य में आने वाले विधान दूर हो जाए। इन हर एक प्रकार के समस्याओं और बाधाओं से व्यक्ति दुखी है, संतप्त है। वह चाहे हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण हो या हमारे गुप्त और ज्ञात शत्रुओं के द्वारा हो, तो हमें हमारे कार्य में असफलता, रुकावट और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह बुरी नज़र से भी हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी स्वयं की रक्षा कर लें और उस बाधाओं को दूर करने का उपाय अगर हम कर लें तो हम अवश्य ही उन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनको सिद्धि प्राप्त है और वे तुरंत तत्क्षण हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं और हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का आधा दुख दूर हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी शाबर मंत्र बताने वाला हूँ जो कि प्रत्येक कार्य में, हर प्रकार के कठिन से कठिन कार्य के अंदर व्यक्ति को सफलता दिला सकता है, उसकी बुरी से बुरी बाधा भी दूर कर सकता है और हर प्रकार का उसका संकट और दुख दूर हो सकता है, बाधाएं दूर हो सकती है और व्यक्ति के परिवार की, घर परिवार की रक्षा होती है। इस मंत्र को शनिवार या मंगलवार के दिन जागृत किया जाता है। यह हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी के रोट का भोग लगा करके, लाल कनेर के पुष्पों को चढ़ा करके या लाल गुलाब के पुष्पों को चढ़ा करके और लाल ही मिठाई के हनुमान जी को भोग लगा करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मात्र एक माला नित्य या हर मंगलवार को या शनिवार को इस मंत्र की करनी है या शनि मंगल से आरंभ करके लगातार भी की जा सकती है। और एक माला नित्य आपको करनी है और 21 दिन का मंत्र जप आपको करना है। मंत्र जप सुबह, दोपहर या सायंकाल कभी भी स्वेच्छानुसार कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की माला से इस मंत्र को जागृत किया जा सकता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः। वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे आठों याम का बलि हनुमंत रखवाला। ये बड़ा ही सिद्ध और चमत्कारी साबर मंत्र है और प्राचीन काल से ही यह बड़ा ही ताकतवर रहा है और हर व्यक्ति ने इस मंत्र का प्रयोग किया है। कई जानकार सिद्ध जन इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और हर प्रकार की बाधाओं से यह मंत्र हमें छुटकारा प्रदान कर देने वाला है। चाहे किसी भी प्रकार के घरेलू या व्यापारिक हमारी बाधा हो तो इससे दूर हो जाती है, क्योंकि कई बार बुरी नज़र से भी हमारे व्यापार में रुकावट आ जाती है और हमारा व्यापार बाधित हो जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम इस मंत्र का प्रयोग करें और मात्र एक माला का जब आपको करना इस मंत्र का, और उसके पश्चात कुछ ही दिनों में आपकी बाधा दूर होगी और पुनः आपका व्यापार सुचारू हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। हर प्रकार की बाधा से भी व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है, बुरे रोग से भी छुटकारा मिल जाता है और ग्रह पीड़ा, ग्रह बाधा से भी, बुरे ग्रहों की बाधा से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार के शत्रुओं से इस मंत्र से रक्षा होती है। घर से बाहर निकलते वक्त 7 बार इस मंत्र का अगर उच्चारण कर लिया जाए तो हमें उस कार्य में सफलता मिल जाती है और मार्ग में कोई बाधा आपको बाधित नहीं कर सकती है, क्योंकि बड़ा ही प्रभावशाली और चमत्कारी सिद्ध शावर मंत्र है। 21 दिन तक नियमित प्रयोग करें और एक माला मात्र आपको इसका जप करना है, जिससे कि यह मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात मात्र 7 बार उच्चारण करके अपने कार्य हेतु निकले, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय बजरंगबली।